तो ये साइंटिस्ट थे, जर्मन के रहने वाले। इसका इनका नाम है हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग्स। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस ये कहाँ का रहने वाले थे पहले? 1927 में इन्होंने एक लॉ दिया था, ये प्रिंसिपल दिया था। इनका नाम था वार्नर हाइजेनबर्ग। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के। फिजिस्ट थे ये, सब के सब फिजिक्स वाले थे। और केमिस्ट्री में, क्योंकि कई चीजें इसकी केमिस्ट्री में मैच कर रही थी, इसीलिए इसको केमिस्ट्री में इंक्लूड किया गया। ठीक है ये फिजिक्स सब। तो ये वार्नर क्या था, वार्नर हाइजेनबर्ग इसका नाम है। ये जर्मन का रहने वाला था और वो फ्रांस का रहने वाला था। दोनों ने कंक्लूजन सेम निकाले थे, उसने 1924 में, इसने 1927। अब देखो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, इसके नाम से पता चलेगा। देखो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बताओ? अनसर्टेनिटी मतलब, जो सर्टेन नॉट डिफाइंड नाउ। हाँ, तो इसने यही कहा। देखो इसने कहा कि अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अगर हम इस पार्टिकल की बात करते हैं, तो इस पार्टिकल का पोजीशन, इस पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी या फिर मोमेंटम, एक ही बात है, बोले वेलोसिटी या मोमेंटम, आप इसको एक टाइम में साइमल्टेनियसली एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। ठीक है, बात इसने भी वही कही जो डी ब्रोगली ने कही, लेकिन इसका रिसर्च अलग तरीके से था और उसका अलग तरीके से था। साइमल्टेनियसली, एक साथ आप जो ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, यानी कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसके पोजीशन को और उसके वेलोसिटी को एक साथ आप कैलकुलेट कर नहीं सकते। इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा, इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। एक्यूरेटली, अगर आप एक्यूरेटली मेजर करोगे, डिटरमाइन करोगे, तो ये इम्पॉसिबल। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना या मेजरमेंट करना। ठीक है, तो क्या बोला उसने? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। इट इज इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल है? टू डिटरमाइन, डिटरमाइन करना एक्यूरेटली किस चीज सर एक को। बार रिपीट कर दो, हाँ वही बता नेटवर्क रहा हूँ। इश्यू हो रहा है। हाँ देखो इसमें क्या है, ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये टू डिटरमाइन, डिटरमाइन करना एक्यूरेटली किस चीज को। डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी और मोमेंटम को एक साथ यानी साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल। अगर आप बोलोगे कि ये देखो ये पार्टिकल है, पोजीशन आपने बताई, तो वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी, और अब आपने उसकी वेलोसिटी को निकाला, तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी एक चीज क्या होगी, अनसर्टेन हो जाएगी। दोनों चीज एक साथ नहीं निकाल सकते आप। अगर आपने पोजीशन निकाला तो वेलोसिटी अनसर्टेन, यानी पोजीशन सर्टेन तो वेलोसिटी अनसर्टेन, तभी इसका नाम क्या रख दिया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने कहा अगर आपने बता दिया कि पोजीशन ये है, यानी पोजीशन आपने क्या कर दी, सर्टेन, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अनसर्टेन, फिर वेलोसिटी आप नहीं निकाल सकते उस पॉइंट पे। और अगर आपने उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करके बता दिया कि देखो इस स्पीड से जा रहा है, यानी वेलोसिटी सर्टेन हो गए, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, अनसर्टेन। इसीलिए इसे क्या कह दिया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हाइजेनबर्ग ने दिया था, इसीलिए उसका नाम से क्या हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
क्लियर है आप? यस सर। तो इसको अब दूसरी तरीके से मैं बता देता हूं। तो यही चीज उसने भी कही थी और इसने भी वही कहा, ठीक है, दोनों ने एक ही बात कही लेकिन दोनों अलग अलग रहने वाले थे, इसीलिए पता नहीं चला, ठीक है। रिसर्च भी दोनों ने अलग किया लेकिन दोनों की बात सेम थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये भी कैसा नेचर करेगा, वेव नेचर करता है, तभी तो ऐसा हो रहा है। नहीं तो अगर पार्टिकल होता, जैसे आप हो मैं हूं, कोई भी पार्टिकल होगा तो हम उसकी स्पीड भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर जनरली अगर कोई पार्टिकल होगा तो हम उसकी स्पीड भी आराम से बता देंगे, उसकी पोजिशन भी आराम से बता देंगे एक ही साथ, ठीक है। तो ये एक साथ बताना इजी है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन या छोटा पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है तब हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो इससे उसने ये प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेव नेचर भी होता है। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर तो होता ही है, वेव नेचर भी होता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को और वेलोसिटी को एक साथ नहीं निकाल पाते। अगर आपने कहा सपोज कि एक पार्टिकल आपने ढूंढ दिया कि ये देखो यहाँ पे ये पार्टिकल है, जैसे आपने बोला कि ये पार्टिकल ये है, ठीक है, तो पार्टिकल की आपने पोजीशन क्या कर दी, सर्टेन कर दी। तो जैसी पोजीशन सर्टेन करी, अब इस पोजीशन में उसकी वेलोसिटी को निकालना इम्पॉसिबल है। अब वेलोसिटी निकल ही नहीं सकती इस पॉइंट पे, क्योंकि आपने पोजीशन को फिक्स कर दिया, तो वहां पे क्या होगी, वेलोसिटी अनसर्टेन हो गई, ठीक है, इनफिनाइट हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, इसे कहते हैं इनफिनाइट, कह लो इनफिनाइट, तो हम उसे निकाल ही नहीं सकते, ठीक। और अगर आपने किसी पार्टिकल का क्या किया, सपोज आपने क्या किया, उसकी स्पीड निकाल दी कि ये पार्टिकल है ये इस स्पीड से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी को सर्टेन कर दिया, तो अब उसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, अनसर्टेन, यानी कि इनफिनिट हो जाएगी। अब आप उसकी पोजीशन को दिखा नहीं सकते हो कहां पर है ये। अब फॉर्मूले से इसे प्रूफ करते हैं, देखो इस बात को उसने फॉर्मूले से प्रूफ किया। पहली चीज उसने क्या किया, डेल एक्स, डेल एक्स का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में वो कितना अनसर्टेन है, और डेल पी मींस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल वी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तीनों चीज उसने दिए। अब यहां से एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। उसने कहा डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये याद करना है आपने। अब डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, सॉरी 4 पाई, ठीक है। और मोमेंटम की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी, क्योंकि मास तो फिक्स रहेगा उसमें तो चेंज होता नहीं है, इसीलिए इसमें डेल नहीं आया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में तो हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स में आप एक चेंज कर लो, बस ग्रेटर देन का साइन क्या करो, हटा दो। तो मैथमेटिकली क्या होगा, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है, इक्वल टू कर दो इससे। इक्वल टू करने पे अब हम फॉर्मूले को कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, एच की वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10 की पावर
माइनस 34 जूल सेकेंड। ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब देखो यहां से वो कहता है, प्रूफ करके भी बता देता हूं आपको, जो उसने अभी स्टेटमेंट कहा अब इसे वो प्रूफ करके बताएगा, ठीक है? तो प्रूफ करेंगे कि करके कि अगर हमने पोजीशन को सर्टेन किया तो क्या होगा, वेलोसिटी या मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। अब देखो इसे हम प्रूफ करके दिखाते हैं इस फॉर्मूले से। सपोज उसने कहा कि ये फॉर्मूला आपके पास है, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है? अब हम लेते हैं केस वन। केस वन में बताओ किसको सर्टेन करना चाह रहे हो, पोजीशन को या वेलोसिटी को? सर वेलोसिटी को। हाँ, तो वेलोसिटी हमने क्या किया, फिक्स कर दी। तो अगर इसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी तो क्या होगा कि जो डेल वी है अनसर्टेनिटी तो रहे नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना? ये तो अनसर्टेन रहा ही नहीं, सर्टेन हो गया, तो डेल वी की वैल्यू जीरो। क्लियर है? अच्छा, क्योंकि ये अब क्या हो गया, जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, सर्टेन हो गई, फिक्स हो गई। तो अब अनसर्टेनिटी तो रही नहीं, तो हमने कहा डेल वी जीरो हो गया। अब इसकी वैल्यू को यहां रख दो, क्या होगा, डेल एक्स इंटू एम इंटू जीरो इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है? तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अपॉन में ले जाओ सबको, एच अपॉन एम इंटू जीरो इंटू 4 पाई। अब कितना आंसर आएगा इसका, डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू एच, एच बाकी नहीं सर वो जीरो से मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो जीरो से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आंसर, जीरो, जीरो आ जाएगा। तो एच अपॉन जीरो कितना आएगा, जीरो एच आएगा, इन्फिनिटी। किसी को भी जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, यस, ठीक है? तो ये प्रूफ कर दिया हमने, ये अनसर्टेन है, इन्फिनिटी का मतलब अनसर्टेन है, फिक्स है ही नहीं, इन्फिनिटी को हम कहाँ से काउंट करेंगे। क्लियर हुआ? तो उसने कहा देखो पोजीशन क्या हो गई, अनसर्टेन हो गए, यानी इन्फिनिटी हो गए। क्लियर? तो ये उसने प्रूफ किया। यस सर। अब केस सेकंड लेते हैं हम लोग। केस सेकंड में आप किससे फिक्स करेंगे, केस सेकंड में हम करते हैं पोजीशन को फिक्स, सर्टेन कर देंगे, ये है पोजीशन। अब इसको फिर फॉर्मूले में अप्लाई करो, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब सर्टेन हो गई, तो अनसर्टेन तो कुछ रहा ही नहीं। अब यहाँ पे रख दो इसे, जीरो इंटू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। फिर वही केस आ गया, देखो सेम जैसा भी हमने किया था, डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू जीरो इंटू एम, कितना आएगा आंसर, डेल वी इज इक्वल टू इनफिनाइट, ठीक है? तो अब ये अनसर्टेन हो गया। तो उसने कहा अगर आपने एक को सर्टेन किया दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा, दूसरा इनफिनाइट हो जाएगा, दूसरा फिक्स होगा ही नहीं। तो ये किस लिए, क्योंकि इसका वेव करेक्टर है, अगर पार्टिकल होता तो उसको तो हम आराम से करेक्टर आराम से उसको कैलकुलेट कर लेते। इससे ये प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, छोटा पार्टिकल होता है, इसका भी क्या होता है, वेव नेचर होता है, ठीक है? तो ये दोनों चीज हमने प्रूफ करके भी बता दिया आपको फॉर्मूले से। आया yes. समझ में कि नहीं आया ये? यस सर, समझ में आ गया ना? तो इसने दोनों चीज प्रूफ करके बता दी। तो इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, उसने कहा कि देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, छोटा पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल होता तो फिर तो हम इसको आराम से निकाल लेते, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पार्टिकल के स्पीड निकालना। लेकिन ये किसकी तरह भी बिहेव कर रहा है, वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। अब इसको निकालना मुश्किल है, क्योंकि वेव के साथ पोजीशन और वेलोसिटी को निकालना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है, छोटा पार्टिकल है, किसी समय पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, किसी समय वेव की तरह बिहेव करेगा,
तो इसने भी यही बात कही और उसने भी वही बात करी, दोनों के रिसर्च अलग अलग थे बस। क्लियर? यस अब देखो आता है सिग्निफिकेंस, ये उसमें भी था, दोनों एक साथ ही बता देता हूं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि ये जो थ्योरम दी थी इसने, ये वैलिड है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। वो कहता है ये छोटे पार्टिकल के साथ ही है, बड़े के साथ नहीं है, जैसे हम है, आप है, या कोई बड़ी चीज है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। जो छोटे पार्टिकल है बस उसी के लिए क्या है, एप्लीकेबल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एसेट्रा, जो छोटे पार्टिकल है। ये दोनों के दोनों लॉ, डी ब्रोगली भी और हाइजनबर्ग भी, ठीक है, बड़े पार्टिकल के लिए ये वैलिड नहीं होता है, नॉट वैलिड, अप्लाई नहीं होता है, नॉट वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल है उसके लिए अप्लाई नहीं होता है, केवल छोटे के लिए ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब वो कहता है इसको भी हम प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। अब वो ये प्रूफ करेगा देखो इस फॉर्मूले से, तो हम इसे प्रूफ करते हैं। देखो हमने क्या किया कि जो वैल्यूज है, सपोज करो डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है, ठीक है। अब सपोज करो मैं उसकी पोजीशन बता रहा हूँ कि कितनी पोजीशन अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया उसकी स्पीड देख ली, स्पीड देखी मैंने कि चलो 3 या 30 मीटर पर सेकेंड है, कुछ ना कुछ स्पीड होगी होगी। देखो उसका मास है, मास सपोज करो 1 kg हो गया, ठीक, और बाकी सब कुछ तो इसमें है ही, तो क्या होगा, देखो डेल एक्स इंटू मास को 1 ले लिया, वेलोसिटी 30 हो गई, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 × 3.14। अब ये अपॉन में चले जाएगा, एच की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, डेल एक्स इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻¹⁴ अपॉन 4 × 3.14 × 30, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे डिवाइड करोगे, तो देखो ये 34 है, अगर ये कम भी होता है तो ये 32 हो जाएगा, तो इतना कम वैल्यू को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको निकालोगे तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वेरी 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 स्मॉल, और इसको हम क्या नहीं कर सकते, नॉट मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। आप इतनी कम वैल्यू को मेजर कैसे कर सकते हो, ये 10⁻³² तक क्या मेजर हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। माइनस नहीं। थर्टी टू यानी बहुत कम हो गई, तो इसको मेजर नहीं कर सकते, तो दिखता ही नहीं है। तभी तो हम लोग जो बड़े पार्टिकल हैं इसमें भी वेव नेचर होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम आती है जो हम आंखों से देख नहीं पाते, इसीलिए उसने कहा कि बड़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अब क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसने प्रूफ करके दिखाया कि देखो जो बड़े पार्टिकल होंगे उसके लिए क्यों नहीं है वैल्यू, क्योंकि इसमें जो डेल एक्स या डेल वी की वैल्यू जो आएगी बहुत कम आएगी और उसको हम मेजर नहीं कर सकते, इतना हमारे पास है नहीं इंस्ट्रूमेंट, और नॉर्मल वे में तो हम देख ही नहीं सकते, नहीं तो हम भी पार्ट वेव नेचर शो कर रहे हैं लेकिन इतना कम होता है वो कि उसको कोई मेजर नहीं कर सकता। क्लियर? यस ऐसी सेम डी ब्रोगली ने भी कहा था, डी ब्रोगली ने भी क्या कहा था, उसने सिग्निफिकेंस में भी यही कहा था, सेम, दोनों के रिजल्ट सेम थे, सब कुछ सेम था, उसने भी यही कहा था जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट होता है वो ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो छोटे हैं उसके लिए ही क्या होगा, ये वैलिड होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एसेट्रा, और ये वैलिड नहीं होगा किसके लिए, नॉट वैलिड फॉर मैक्रो पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक,
जो बड़े होते हैं उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो लार्ज पार्टिकल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब इसने भी प्रूव करके दिखाया, देखो वही कॉन्सेप्ट लिया उसने, देखो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब उसने कहा कि चलो प्रूफ करके दिखाते हैं, देखो अब मास सपोज करो 1 kg, ये तो मिनिमम ले लिया मैंने, अगर जितना ज्यादा लोगे उतना इसकी वैल्यू कम आएगी, क्योंकि ये बढ़ेगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। वेलोसिटी भी सपोज 1 ले लिया मैंने मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अब यहाँ पे रख दो तो क्या होगा, एच अपॉन 1 × 1, यानी लेमडा इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, सॉरी मीटर कर लो यहाँ पे। तो अब देखो इतनी कम वैल्यूज की भी आ गई, सेम कॉन्सेप्ट है, देखो दोनों ने एक जैसे एक्सपेरिमेंट किया, देखो फॉर्मूला अलग निकाला है लेकिन प्रूफ सेम किया। तो उन्होंने भी कहा कि जो वेव लेंथ है, देखो जो बड़े पार्टिकल है वो भी 1 लिया मैंने, अगर यहाँ पे 100 लेता तो ये 36 हो जाता, देखो अगर मैं आदमी की बात कर रहा हूँ 50 kg होता तो यहाँ पे कम हो जाता, ये 35 के आसपास हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव लेंथ होती है इसकी वैल्यू क्या आ गई, वेरी 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 स्लो आ गई, इतनी कम है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, ये मेजरेबल ही नहीं है। आप कैसे मेजर करोगे इतनी बड़ी चीज को, सो इतना छोटी चीज को, ठीक है, तो ये मेजरेबल ही नहीं है। तो मेजरेबल है ही नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा। तभी वो कहता है कि जो बड़े आदमी होते वो भी वेव नेचर शो करते, लेकिन इसकी स्पीड इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि हमें दिखता नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि जो ह्यूमन है वो भी वेव नेचर शो कर रहा है। क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, देखो वेव लेंथ की वैल्यू इतनी कम आई जो हम देख नहीं पाते, क्लियर है। यस सर। तो ये हो गया आपका डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं तक करते हैं हम लोग, अब इसके बाद क्वांटम आ जाता है थोड़ा सा, अब इसके बाद मॉडर्न में आ गए हम, ठीक है, अब इसमें हायर लेवल पढ़ा जाएगा थोड़ा सा। तो मैं आपको नोट्स पहले भेजूंगा, आप उसे पढ़ के देखना एक बार, ठीक, फिर हम उसे करेंगे। और यहां तक कोई डाउट? नो सर, डाउट ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे पूछना उसे, ठीक, ओके ओके।